जितने प्यार से आप सुलझा रहे हो इतने प्यार से तो मैंने इसे एक बार भी नहीं सुलझा। अरे मेरे फोन जैसे बोलते थे, दर्द हो जाएगी सब। चलने फाइनली हो गया तुम लोग तैयार? ऋतु मुहूर्त निकला आपका? चलो ठीक है, तो हमें फाइनली निकलना था 11 के आसपास, 12 बजे का टाइम दिया मैंने, फिर ये मेरे से लड़ ली, इतना गंदा लड़ी, मतलब 3 बार लड़ाई होकर पैचअप हो गया, पैचअप का फिर विद इन 5 मिनट्स लड़ रही, आज तो रिकॉर्ड ही हो गया, फिर पैचअप हुआ, मैंने कहा मत जब मैं नहीं आऊँ, तो यार अकेले जा रही थी अपने भाई के साथ, मैंने कहा निकल ले तू, निकल ले उसी के साथ निकल ले, फिर 5 मिनट बाद दोबारा आया, मैं कहा देख ले, मेरा मन तो था जाने का, फिर मैं अकेले जा रही हूँ, मैंने कहा देख कितनी बदतमीज है, मेरे को एक बार पूछ भी नहीं थी कि आपको चलना है कि नहीं, मैं तो अकेले निकल, मेरी भी ईगो आ गई, मैंने इसको अपनी ईगो मार के 2 बार पूछा कि देख चलना है तो बता दे फाइनली, अरे चल लेती हूँ चल लेती हूँ, उसके बाद फिर 5 मिनट में लड़ ली मेरे से, पति-पत्नी में इतनी बार ईगो आती है, एक बार उसकी एक बार उसकी, एक नहीं नहीं इतना नहीं लड़ना चाहिए ना, कम लड़ना चाहिए ना, सही तो सही कम लड़ना, मेरे को लगता है ये 7 जन्मों का तो इसी जन्म में लड़ ले मेरे से सारे, अभी मुझे खास है कि शादी में जाना, मैं कह रहा हूँ देख ले, मजे तो आएंगे। हमारी लड़ाई पता शुरू किसलिए हुई थी? हमारी लड़ाई शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा चार्जर आईफोन का चार्जर, हमें 2 चार्जर है, एक मेरा एक ऋतु का, ये मेरा चार्जर ले गई और खो दिया इसने, शुरू तो वैसे हुई थी, बाद में फिर और चीजें हो गई। चलो बाय बाय कर दो आंटी, सबसे ज्यादा प्यार व्यू कर दी है, व्यू को बाय बोलने आई है, और जयकारा लगा दो, चलो जयकारा से माई माँ की जय। ऋषि शेरा वाली माँ है की शेरा वाली माँ है? शेरा वाली, शेरा शेरा वाली वाली माँ, माँ शेरा वाली माँ, शेरा वाली, गुड गुड सक्सेस। तो फाइनली हम निकल रहे हैं घर से 2 बजे, हमारी आज पहली लड़ाई तो इसीलिए हो गई, मैंने कहा 12 बजे निकल लियो, अगर 12 बजे से 12:01 हो गया ना मैं जाऊंगा नहीं, इसने 12:17 कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, चलिए मत जा, क्या डालना भैया मैं गूगल मैप में रोहतक, रोहतक से मैम, सुर्खी क्या बोला तूने, तुम मुझसे गाड़ी में क्या बात करने लगी भाई, मैं तेरा पति हूं, वो एकदम निकलने लग जाती है जैसे ही अपने लोग आते हैं। टोटल टाइम निकाल रहा है 3 घंटा 11 मिनट, जो कि दिल्ली के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। पीहू, हाँ पीहू, उस साइड तो पूरा जाम है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, हमें +45 मिनट दिखा रहा था, हम बिल्कुल ये सर्विस लेन जो की बिल्कुल टूटी फूटी है उससे होके जा रहे हैं। तो इस फायदा पता क्या है, मेरी बैक में दर्द था, हिल उल के अपने का कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे दिए, हिल उल के अपने का बैठ जाती है, लगा की मेट्रो स्टेशन में अतिक्रमण करके बना दिया गया, सर्विस रोड के बीच में मेट्रो स्टेशन था। भाई सब ये देखते बचपन की याद आ गई, सामने किचन और ये दुकान समोसे की, हमारे अभी ऐसे समोसे वाला था, एक नाला था नाले के सामने, समोसे टेस्टी चटनी होती थी ना भाई, हमें मम्मी कहती थी, हमने उसका नाम डाल दिया, मम्मी समोसे लेने जा रहे नाले वाले के यहाँ से, घर पे मेहमान बैठे थे, तो मम्मी क्या लेके आऊं, अरे वो नाले वाले कहते समोसे ले आ, मेहमान चौक नाले वाले समोसे, कीचड़ देखे मेरे को मजा आता है। A few moments later. अरे भैया ये कहाँ पे आ गए, कीचड़ प्रो मैक्स गाड़ी धुलवानी पड़ेगी पूरी यार, ये गड्ढे देखो, इतने बड़े बड़े गड्ढे तो धरती से दिख जाते चांद के ऊपर जो होते हैं, वो देखो ट्रक में लड़ गया था भैया, ये देखो, अरे भैया सामने और भी है, क्रेटर है तो मून के क्रेटर से भी बड़े हैं यार, एलियंस देखते होंगे अपने प्लैनेट से कि धरती पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, चांद के हम देखते हैं ना, अपने प्लैनेट से देखते होंगे, ये देखो दिल्ली में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, गाइस ये देखो, तो ऐसी रोडों पे दिल्ली में करता है मसाज स्टोर, कहते सर आप मसाज लेके आ रहे ना ऐसे ऐसे ही ले के, पूरी मसाज हो गई तो आपको मसाज स्टोर देना पड़ेगा, 100 रुपए सबका कटेगा, गाड़ी का नहीं कटता, गाड़ी में जितने लोग बैठे सबका 100 रुपए कटेगा। लोगों का सब्र का बांध टूटा हुआ, लोग यहाँ से यू टर्न मार के निकलते हुए, अरे भैया हमको भी, हम भी निकल लेते हैं अभी, हम लेकिन वेट कर रहे हैं, एक और भाई का सब्र टूटा निकलते हुए भाई हमारे, और कितने भाई हमारे सब्र खो चुके हैं, ये भी बैक करते हुए साइड में लगा दी, अब इसकी चूल हो चुकी थी मैक्स, इसने यहाँ काट दी, पूरा रास्ता उधर का जाम हो गया, ये पीछे से एक और बंदे को चूल हुई और वो जा रही है, देखो ये देखो देखो गया गया गया, ये भी आगे जाके पेल देगा, सबका रास्ता रोक देगा, अबे यार ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं इस मामले में ना मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत सही लगता है, मैं शिलोंग गया था, वहाँ पहाड़ी रास्ता है, एक आदमी ट्रैफिक रूटीन तोड़ता है, वैसे काट कूट के आगे नहीं जाता, जब हम लोग फ्लाइट लेके जाते ना, वेदन वी लैंड एट इम्फाल, कोई भी नॉर्थ ईस्ट कहीं जहाँ लैंड करेंगे, भैया पहले आगे वाले निकलेंगे फिर पीछे वाले उठेंगे फिर जाएंगे, ये नहीं की एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ सब खड़े हो गए, भाई सभी लोग हैं वहाँ के बहुत ज्यादा यार, हम ही लोग जो है दरिंदगी मचा रहे हो। जब हम लोग बहादुरगढ़ से वापस आए थे उस दिन तो किसान आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल वैसी याद आ गई, तो वैसे ही हम लोगों ने डिटो लिया था, 3 घंटे का रास्ता 6 घंटे में हम लोग पहुंचे थे घर, इसीलिए मैं कहता हूँ पी मम्मा से सुबह सुबह निकल लिया करो 6 बजे, अभी बैठे हैं आराम से यहाँ पे, खाने का कुछ लाई हो, मूंगफली है, मम्मी और मॉम का फोन आ रहा है, किसका उठाओगी, मम्मी का कि मॉम का, देखते हैं किसका उठाती है। जब हम घर से निकले थे तो हमें 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, 2 बजे निकले थे, अभी बज चुका है यहाँ पे 4 और ये हाल है, अभी दिल्ली से बहादुरगढ़ भी नहीं पहुंचे हम लोग, यहाँ सारी राइट वाली जनता लेफ्ट वाली वहाँ से निकल रही है, इस महान आत्मा को यहाँ से लेफ्ट जाना है, अरे भैया मतलब मुंह से बिना गाली खाए सुने बिना, आधा तो मेरे को ब्लॉक के सीन ऐसे ही काटने पड़ते हैं इन लोगों की वजह से। मार
डेढ़ साल का खोपड़ी तोड़। फाइनली हमारा ट्रैफिक खुल चुका, हमने लिया रात की सांस। नाचो सारे, यो यो बल्ले बल्ले, यो रशी यो। टेकिंग अ फ्यूल ब्रेक। फुल कर दीजिए भैया, डीजल का मोटा है ये। आज जल्दी बैठो भैया, अंधेरा हो जाएगा वास्ते वास्ते। आज पूरी महारानियों के बैठी थी सीट पीछे, ऋषि देखो बेचारी। ऋषि आई नहीं कहा है? अरे से गेट नहीं खुल रहा, खोलो। नहीं खुल रहा, अरे मेरा बच्चा। ढाई सौ ग्राम शक्करकंदी हमको मिली 70 रुपए की। आधा किलो 70 रुपए, आधा किलो 70 रुपए। दिल्ली में इतनी 50 रुपए की छोटी सी। मैं तो कहता रितु रोज 2 घंटा 2.5 घंटा ड्राइव करके साला यही है। बेटा बढ़िया खिलाओ बढ़िया। थैंक यू। नींबू डाला हुआ ना? चाय पैकेट बता फटाफट। आ गया वहाँ पे लगे हुए जाते हैं। तो यहाँ से राइट जाके आ जाएगा रोहतक, हमें जाना कुंभा। ये बंदा उस लाइन से कट के हमारे आगे आया था सड़ बनते, तो ये लाइन ही बंद हो गई। हम बीच की लाइन में जा रहे हैं। चलो पर्दी में लगाओ, अब जितनी आती तो निकाल लो। पर्दी में कोई रोकता कहाँ है बताओ? जो बंदा पीछे फंसा है हमारे आगे आ गया हो, और ऐसा फंस गया कि वो उसको बैक भी नहीं कर पा रहा, तो उसने अपना कटवा के हमको बचा लिया। लाइक किसी ने गोली चलाई बीच में आके, उसने गोली अपने सीने पे ले ली, हमको बचा लिया। ग्राम पंचायत खरकड़ा आपका हार्दिक स्वागत करती है। चलो भाई हो चुका स्वागत हमारा खरकड़ा में। पूरा सुनसान रास्ते चला रहा है जीपीएस, खेतों के बीच में से तोड़ा के ट्रक जाना है। इनके ट्रक के पीछे फंस गए, इनसे आगे मुझे निकल सकते। तोड़ा क्या होता है? सूखा तोड़ा, जैसे जब गेहूं निकलते हैं तो उनका जो सूखा तोड़ा होता है। चल फिर नहीं निकल सकते। गांव में एक और बड़ी दिक्कत है, रात को तो अंधेरा है। अभी आ रहा था ट्रॉली, उसकी सिंगल लाइट थी, मैंने कहा बाइक आ रही है, पास आया तो देखा ट्रक है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुंभा गांव। ये हर गांव के एंट्रेंस पे एक मंदिर होता है, और हर गांव में ऐसी लेक होती है। अभी रात को देख नहीं रहा, जहाँ पे गाय नहाती, भैंसे नहाती। तालाब वही किस कह रहे हैं? पीछे बैक कर लो, मैं बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बताना चालू किया। कुरन दाग दे, मैं कुरन दाग दे, समझ नहीं आ रही। पहुंच गए हम भैया, करा रहे हैं पार्किंग हमारी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? राठी की छोरी हूँ, पृथ्वी राठी। ओहो मेरा मम्मा। नमस्ते बुआ। नमस्ते भैया, ठीक है बच्चों? आज आ जाओ। किथ है हमारी छोरी? राम राम जी। नमस्ते बेटा। बधाइयो बधाइयो, छोरी की छोरी का ब्याह। बधाई हमारा प्रमोद की था, मोटू पेटू वाला। कुछ काम वगैरह कल के लिए। अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया लगवाई है। ये हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया। हैश टैग नहीं लगवाया, शहरों में तो हैश टैग चल रहा है। लड्डू उठा ले, मम्मा तो ऐसे ही करेगी। उसकी तो मजे बल्ले बल्ले। हाँ। अभी हम शादी में गए थे, मेरे दोस्त उसने कहा था वीआईपी अफेयर। मैं कहा ये देखिए होता है वीआईपी अफेयर। अच्छी लगवाई तो पूरा यूपीएससी का एग्जाम लिख दिया, पूरा महीन लगाई हुई यार। राम राम जी राम। सीमा कह रही है मैं इनका फूफा लगा। वैसे हर शादी में फूफे काम खराब ही करते हैं। मैं सारे अपने वीडियो में बोलता हूँ फूफा ने काम खराब, मैं ही फूफा ही शादी में। सारे फूफे मुंह बोल पड़े, चीनी डाल के सूखी। हाँ। और फूफा बोलते हैं तो वो निकलती है बाहर। हाँ, फूफा बोलते हैं। फूफा, अरे मुझे बताओ, मैं सबका फूफा ही लगाया, सब मेरे को फूफा फूफा बोल रहे हैं। काम हो जाना चाहिए मेरा। मौसा भी हो, चाचा भी हो, यहाँ सारे रिश्ते हैं। ये त्रिबुआ की नाम। अच्छा राम 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 राम। ठीक हो? ठीक। अगर आपको भसड़ देखनी है, असली भसड़, आप शादी वाले घर आ जाइए। गांव बाहर अलग चल रहा है खाना पीना, यहाँ अलग महफिल लगी हुई है। ऋतु कह रही है पानी नहीं आ रहा। चार मिनट पहले पानी पियो। ला भाई आज दिखा दो कितना प्यार करती है अपने पति से। कर दो सेवा, ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना। एक बात बताओ, जैसे यहाँ कह रही हो अच्छी लगाई है, ऐसे बोलते हैं अगर जर रच गई तो बहुत प्यार करता है पति। किसी शादी ना उसकी रच गई तो फिर क्या बोलते हो? तो उसका फ्यूचर हस्बैंड बोलते हैं। जो आने वाला है क्या बात है। अच्छी रचती है उसको हनी सास का प्यार अच्छा मिलता है। लगा बेटा तू और चीनी और नींबू लगा फिर जा। ये जवानी वाली गुस्सा चल रही है, हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ के बात है, की एक्साइटमेंट वाली बात हो रही है, कोई तो बात हो रही है। तेरी फीलिंग्स तो बता जरा, हमें भी जाना फीलिंग है। ये बन रही हमारी चाय। सबका खाना का टाइम है, हमारा चाय का टाइम है। चलो ये लो, छोटे छोटे कप है इसलिए 3 लाया हूँ आपके लिए। 2 बोतल। हाँ 2 आपके, एक मेरा। ऋतु या फिर कौन लगती है? ये ऋतु गई इनके पास। ऋतु कहती है पहचाने आप? कहती नहीं पहचाने। दीदी बोली ये आपकी बुआ लग, पहले मैं से ये कौन लग गया। दीदी बोली ये आपकी बुआ लग, ये दाऊ राम कुमार की बुआ है। मेरे ने कहा कंफर्म आप दाऊ राम कुमार की बुआ है। सारे राम राम सारे तक रहे।
ताई बोली आ बेटा कन्ना मैं पहचान ली तो मैं कह ताई मन्ने तू पहचान ही तो कोनी मैं बोली आ बेटा मन्ने तू भी नहीं पहचानी आ गया है बाजरा का चून आऊ हूँ बस मैं अब मैं बनाऊंगी मैं खाऊंगी बाजरा का राम राम भाई राम राम क्या चाल सारे आपकी बुआ की ये देरानी जेठानी है ठीक है आपकी सारी बुआ लगेगी नीचे ऑलमोस्ट पूरा गांव ही आ चुका है नीचे चल रहा है खाना बजाना खरीद तो बना रही है मेरे लिए खाना रश्मि बना रही है खाना मेरे लिए क्या हुआ बाजरे की रोटी पड़ती है आप भी पापा के लिए बना रहे हो तो मैं किसकी रोटी खाऊं मम्मा की आपकी आपकी मम्मा बना रही है हमारे लिए स्पेशल कौन से पराठे आलू और बाजरा मिक्स कर दिया आलू बहुत हो गया मैं आपके लिए सादे में आलू डाल के बनाऊंगी मैं तो रशी का खाने में एक्साइटेड हूँ रशी ने इसके अंदर आलू भर दिया है आलू का पराठा बनाएगी ना रशी मम्मा का चिपका तू फटाफट बना दे ये रितु का पहला पराठा फिर टूट गया अरे भैया मेरे कंधे से बैठे हुए तुम्हारे टूटते ही जा रहे हैं यार आई थिंक वी नीड टू हायर सम प्रोफेशनल्स नॉट नूब देखो रशी का ये आपका है ये खिलाओ ना यार ये टेस्टी बहुत रशी बहुत टेस्टी है हमारे बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी देखो मम्मा पहले रशी की सेक दो तो ये बाजरे की रोटी आलू के साथ ये मक्खन जो मैंने आधा कर दिया बहुत ज्यादा था और ये है प्याज और धनिया की फ्रेश चटनी मम्मा का कच्चा आपका अच्छा था थैंक यू मक्खन तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे मक्खन और ये आलू और ये नमक चटनी ये रही आलू और रशी की रोटी ये है #विजिट हरियाणा हो गई हमारी गीतों की सब अपूरी हो गई हाँ हो गई हमारे ढोल वाली बुलाते क्या नहीं गीत वेट तो हमारी खाटे लग चुकी है एक दो तीन अभी पीतू और अनीश भी आ रहे हैं तो दो खाटे उनकी अलग जाएंगी हालांकि पार्टी नीचे जवान है मैंने अपना ब्लॉग लाइव कर दिया अभी अभी सोने जा रहे हैं क्योंकि सुबह मुझे निकलना है जरूरी काम से मैं वापस आ जाऊंगा बट बच्चे और मम्मा यहीं पे रहेंगी